So very good morning to all of you. We'll move further on thermal engineering. और आज का एजेंडा है हीट ट्रांसफर को समझना। Okay, in but obviously in various processes. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लें दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जब हम लोग देखेंगे बट ऑवियस है क्लोज सिस्टम की बात हो रही है और जब हम लोग वेरियस साइकल्स देखेंगे वेरियस थर्मोडाइनमिक्स साइकिल्स देखेंगे तो ये ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो पहला हम लोगों का एजेंडा है आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर देखना ओके दैट मीन्स आइसोथर्मल की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट वी कैन से ओके आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब इट विल फॉलो बॉयल्स लॉ ओके इसका अर्थ हुआ डी टी इज विल बी इक्वल टू जीरो टी इज अ प्रॉपर्टी ओके मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशन एक बार फॉलो कर लेना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ये बात किए हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओके या हम लोग ये बात किए थे सी वी इज इक्वल टू या बेटर होगा आप चेंज इन इंटरनल इनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी आपको ध्यान आ रहा होगा लास्ट क्लास में हम लोग एक और रिलेशन देखे थे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट ऑबियस ये फ्लो एनर्जी भी इसमें रहता है और हम लोग डी एच पढ़े थे एम सी पी डी टी फिर से कह रहे हैं ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू मे गेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन योर क्वेश्चन पेपर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट खैर तो डी यू इज इक्वल टू सॉरी डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी एंड डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी हम लोग ये जानते हैं ओके okay. खैर अब आप देखो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर अप्लाई करोगे तो वी ऑल नो दैट आई मीन चेंज इन हीट या फिर हम लोग इसको डेल क्यू कहते हैं ओके एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू ऐसा होता है अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर ले क्लोज सिस्टम की तो पी डी वी आप लिख सकते हो बट ऑवियस है लेकिन यहां पर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस में मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जिसका आप हाइपरबोलिक प्रोसेस भी नाम का स, देख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी जीरो और ये अगर जीरो है तो क्या आपको दिख रहा है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू जस्ट टेक अ लुक ऑन इट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइन मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है ओके दैट इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र फाइन हम लोग ग्राफ भी देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको याद आ रहा होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा होता है जिसको हम लोग हाइपरबोलिक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं फाइन और हम लोग ये भी बात किए थे आप एक बार प्रीवियस सेशन ज़रूर फॉलो करना हम बोले थे कि पी डायग्राम में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को देखोगे तो इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस एज वेल एज इट इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस ये दोनों बराबर होता है अच्छा खास बात नंबर ऑफ टाइम्स ये फिर हम लोग बात कर चुके हैं एरिया ओके व्हेन इनक्लोज टू एक्स एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क ये सब छोटा छोटा सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव का और एरिया व्हेन इनक्लोज ऑन वाई एक्सिस गिव्स ओपन सिस्टम वर्क क्लोज सिस्टम का तो प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं फाइन ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो के बाद हम लोग देखेंगे नथिंग टू वरी अबाउट तो यहां अगर वो सिमेट्रिकल है मतलब ये वाला बट ऑबियस है इसके बराबर होगा और अगर ऐसा है तो क्या हम लिख सकते हैं ओपन सिस्टम वर्क विल बी इक्वल टू क्लोज सिस्टम वर्क ओके क्लोज सिस्टम वर्क हम लोग पढ़े हैं पीडीवी और ओपन सिस्टम वर्क पढ़े हैं वीडीपी इस पर हम लोग चर्चा किए हैं पहले फाइन तो मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस में ये भी वैलिड होता है जस्ट एक कलोकोनेट फाइन अब बोलोगे क्या सर इसको आइडियल गैस इक्वेशन या फिर बॉयल्स लॉ वाले फॉर्मूला से भी हम लोग आई मीन टू से जस्टिफाई कर सकते हैं क्या एकदम कर सकते हैं TV वी इज इक्वल टू अगर एम आर टी है ओके कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट मतलब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही तो था बॉइल स् फाइन दिस इज द ब्यूटी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो पी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी जस्टिफाइड जस्ट टेक अ लुक ऑन इट सो वी हैव आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें ये सब जस्टिफाइड है ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू एक्सएक्स एंड वाई एक्सेस ओके इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला यह सब एग्जाम का क्वेश्चन है ओके जस्ट टेक अ लुक ऑन इट फाइन अब हम लोग कोशिश करते हैं हीट ट्रांसफर देखने का इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो गई अब हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जिसको आइसोकोरिक कहते हैं आई आर श्योर यू ऑल कि आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड यू वुड फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देर इज अ वेरी नाइस बुक फॉर योर आई मीन गेट एग्जाम, ई एस एग्जाम आई मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा बुक आता है आर के चैन का फाइन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे यू ऑल कैन टेक दैट बुक और उससे क्वेश्चन बना सकते हो ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा किताब है फाइन आप देखना सेट बनाकर देखना कि एक एक लेक्चर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेंगे फाइन खैर अब बात करेंगे हम लोग हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डी वी इज इक्वल टू जीरो बट ऑब्वियस है फाइन अब डी वी इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात करें पहले कांस्टेंट वॉल्यूम है ये कुछ ऐसा है फाइन बट ऑब यस है गे लूसे इट विल फॉलो गे लॉ आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें तो लेट इट बी वर्किंग फ्यूल जिस गैस पर हम लोग बात कर रहे हैं खैर तो ये एक रिजिड कंटेनर हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया आइसोकोरिक हो गया सब एक ही चीज है तो अगर हम लोग इस पर फर्स्ट फ्लो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई करें ओके दिस इज डेल क्यू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू ओके खास बात वर्क डन विल बी जीरो क्योंकि डी वी जीरो है क्लोज सिस्टम वर्क तो बट ऑब्वियस जीरो होगा मतलब डेल क्यू विल बी इक्वल टू डी यू दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब इसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है इसका इंटरप्रटेशन ये हो सकता है कि हीट एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब बेसिकली हम इसकी बात करें हीट एडेड ऑन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़ बेसिकली ऑन दी एक्सपेंस ऑफ इंटरनल इनर्जी मतलब हीट इज़ यूटिलाइज इन चेंजिंग इंटरनल इनर्जी आप मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में समझ सकते हो जितना चेंज इन इंटरनल इनर्जी होगा उतना ही हीट का एडिशन होगा या डिफरेंस ऑफ हीट मतलब यहाँ हम चेंज की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ हीट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब अगर मान लो कोई एक सिस्टम है आई मीन कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है और उससे हम हीट ले रहे हैं तो वो हीट बट ऑब्वियस है उसके इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस से ही हमको मिलेगा आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट टेक अ लुक तो थोड़ी देर पहले जो हम लोग लिखे थे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ डी यू इज इक्वल टू एम सीवीडीटी पढ़े हम लोग यह चीज तो फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल क्यू विल ऑल बी ऑलवेज इक्वल टू एम सीवीडीटी ऐसा होना चाहिए फाइन अवर नेक्स्ट एजेंडा इज टू फाइंड हीट ट्रांसफर इन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस चलो यहीं पर हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का जिसको हम लोग आइसो बारिक प्रोसेस कहते हैं आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहते हैं या कह, कह सकते हैं विच ओबेल ओबेज चार्ल्स लॉ ओके मतलब पीवी इज इक्वल टू एमआरटी में यहां पर पी कॉन्स्टेंट होगा और यहाँ पी वी इज इक्वल टू एम आर टी में वी कॉन्सटेंट होगा आई होप ये आप समझ पा रहे हैं फाइन इस न्यूमेरिकल आई मीन जब न्यूमेरिकल्स आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर ये यह रिलेशन भी फॉलो आप कर सकते हो पी बट ऑवियस है पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू ओके सिमिलरली यहाँ पर अगर ये और ये कॉन्सटेंट है तो वी वन बाई बी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू ओके खैर तो हम लोग यहां पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहे हैं वापस से लिखते हैं हम अपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ओके अब यहां पर कोशिश करो आप समझने का डी ऑफ यू एंड पी डी वी ओके हम लोग जानते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर में आई मीन पी डी वी होता है अगर पी को कांस्टेंट आप निकाल कह सकते हो ओके ले सकते हो तो वाई नॉट हम इसको ऐसे लिखते हैं लाइक दिस ओके और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो यू आर एफिशंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस इवन जरा आप देखो डी ऑफ यू डी यू डी ऑफ पी वी मतलब एक बार पी और दूसरी बार वी डी पी वी डी पी तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डी पी इज इक्वल टू जीरो मतलब आई कैन राइट लाइक दिस इसका भी क्लैरिफिकेशन यही दिख रहा होगा मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं हम क्योंकि यू प्लस पी वी आकर्ष वेरी फ्रीक्वेंटली जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा डेल क्यू इज इक्वल टू डी एच और थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे डी एच इज इक्वल टू एम सी वी डी टी सॉरी 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 एम सी पी डी टी मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डी टी आई होप आपको इंप्लीकेशंस दिख रहा होगा कि सी पी सी वी कितना इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट फॉर थर्मोडाइनेमिक्स ओके जस्ट टेक अ लुक ऑन इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एम सी बी डी टी फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू एम सी बी डी टी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल इनर्जी एंड फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू चेंज इन इन्थेरेपी यहाँ पर चेंज इन इंटरनल इनर्जी यहाँ पर चेंज इन इन्थेरेपी जस्ट हैव अ लुक ओके अब आते हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पर फाइन अब हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इन एडियाबेटिक प्रोसेस अब आप बोलोगे सर इसमें रिक्वायर्ड है क्या कुछ पढ़ना क्योंकि हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो हो ओके okay. मतलब दिस इज इक्वल टू ज़ीरो हम लोग ये एडियाबेटिक प्रोसेस का तो डेफिनेशन ही यही होता है तो क्या इसमें रिक्वायर्ड है कुछ और डिराइव करना या फिर मैथमेटिकल प्रूफ देखना कर सकते हो बहुत टफ नहीं है हम लोग ये जानते हैं कि डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी ओके ये हम लोग जानते हैं हम लोग सी का फॉर्मूला भी जानते हैं आर गामा माइनस वन मतलब डी के स्थान पर हम लिख सकते हैं एम आर डी टी बाई गामा माइनस वन जस्ट एक अ लुक लिख सकते हैं ऐसा अच्छा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आप अगर लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखोगे थर्मल इंजीनियरिंग का तो हम लोग पढ़े थे डेल डब्ल्यू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन ये पढ़ चुके हैं बट ऑब्वियस है गामा इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स विच इज अगेन इक्वल टू सी पी अपन सीबी फाइन आते हैं इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ़ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई करते हैं फाइन डी यू एम आर डी टी गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन एम आर डी टी का अर्थ हुआ एम आर टी टू माइनस टी वन बाई गामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन विच इम प्लाइज एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन विच इम प्लाइज एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन प्लस एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू बाई गामा माइनस वन आई होप आप समझ पा रहे हैं टी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन पी टू वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू आई कैन रिप्लेस दिस जस्टिफाइड हैव अ लुक मतलब ही ट्रांसफर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज बट ऑबियस इक्वल टू जीरो जस्ट टेक अ लुकऑनिटी एक लास्ट प्रोसेस हम लोगों के लिए बचता है ही ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप जान रहे हो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत आसान होता है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में जहाँ जहाँ गामा होता है पॉलीट्रॉपिक uh, प्रोसेस में वहाँ पर एन होता है गामा इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स एंड पॉलीट्रोपिक में एन इज योर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बेसिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉली का मतलब ही हुआ एक से ज्यादा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर भी हो वर्क ट्रांसफर भी हो ओके हम लोग देखेंगे बेसिकली अंतर भी कोशिश करेंगे समझने का कि ये सारे प्रोसेस का कह सकते हो इम्प्लीकेशन क्या होता है या हाउ कैन वी इंटरप्रेट द थिंग्स तो अब एजेंडा है हम लोगों का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को समझना फाइन ओके okay. जैसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है आइसोथर्मल ओके पी इज कॉन्स्टेंट ये होता है आइसो बारिक वी इज कॉन्स्टेंट ये होता है आइसो कोरिक ओके पी वी इज इक्वल टू कामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये पी वी वन है ओके ये होता है एंडियाबेटिक पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यह होता है पॉलीट्रॉपिक ट्रॉपिक हैव अ लुक आई कैन राइट आई कैन राइट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम लाइक दिस पी वी जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी का जीरो मतलब वन मतलब पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप ऐसा समझ सकते हो ओके खैर घबराना नहीं है जब हम लोग ग्राफ देखेंगे उस वक्त ये कोशिश करेंगे समझने का अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो फाइन तो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में बहुत ज़्यादा खास हमको फर्क दिख नहीं रहा है जहाँ जहाँ आपको गामा गामा दिख रहा होगा I mean, आई मीन कह सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस में वहाँ पर अगर आप रिप्लेस एन से कर दोगे तो वो आपको दिखेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहने का बात यह हुआ कि अगर आपको डेल डब्ल्यू फॉर पॉली निकालना है तो यू कैन राइट पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई एन माइनस वन जस्ट टेक अ लुक फाइन सिमिलर जो अभी थोड़ी देर पहले की उसी को यहां पर दोबारा करते हैं हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी एम सी वी टी टू माइनस टी वन एम आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन या एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन बाई गामा माइनस वन ओके अब इसको अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर ओके okay. जानते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कुछ ऐसा होता है कुछ नहीं करना है बिठा देना है हमको डेल क्यू निकालना है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो डी यू के स्थान पर एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन बाई गामा माइनस वन या एक स्टेप अगर हम लोग पहले ही लिखें तो दिस इज पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन प्लस इसके स्थान पर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई एन माइनस वन हैव अ लुक कर सकते हैं हम लोग ऐसा अब अगर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू को कॉमन ले लो बहुत आसान है ये कॉमन ले लिए ओके हम पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू को कॉमन ले लिए फाइन या आप वाट्स एवर आप आई मीन I mean, इसका विपरीत केस भी ले सकते हो हम लोग जस्ट होल्ड ऑन पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई कामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू जस्ट होल्ड ऑन लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम आर नॉट हाँ सो वेरी गुड जो हम लोग कह रहे थे कि अगर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा वन बाई गावा माइनस वन और ये प्लस बन जाएगा माइनस आई होप ये ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वन बाई एन माइनस वन ओके नथिंग टू वरी अबाउट इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वन वाला इधर आ जाएगा टू वाला इधर आ जाएगा मतलब माइनस का साइन हम कॉमन ले चुके हैं आई होप इतना मैथमेटिक्स आप समझ पा रहे हो ओके okay. ये प्लस के साइन को हम माइनस में कन्वर्ट कर दिए जस्टिफाई करने के लिए चूंकि हम पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू को कॉमन लिया जस्ट टेक अ लुक ऑन इट अब इसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है आप यहाँ एलसीएम सी एम ले लो एन माइनस वन माइनस गामा माइनस वन तो ये निकल कर आया पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ओके ध्यान दोगे आप एन माइनस वन माइनस गामा माइनस वन मतलब वन से वन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एन माइनस गामा आई शुड राइट हेयर एन माइनस गामा और नीचे आ जाएगा गामा माइनस वन एन माइनस वन हैव अ लुक अब ध्यान दो तो आप यहाँ पर ये वाला डेल डब्ल्यू है क्या ये यहाँ दिख रहा है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई एन माइनस वन तो अगर हम उसको अलग करके लिखें पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई एन माइनस वन ये और ये तो उसके अपार्ट क्या बचा एन माइनस गामा बाई गामा माइनस वन तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि एन माइनस गामा बाई गामा माइनस वन इन टू पॉलीट्रॉपिक जस्ट है लुक मतलब हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस गामा बाई गामा माइनस वन टाइम्स जो भी वर्क ट्रांसफर होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सो दिस इज ऑल अबाउट योर हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस हम लोग देखें आइसोथर्मल आइसोकोरिक आइसोबारिक एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू